और दोस्तों आपको बता दें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तो काउंसलिंग चल ही रहा था, एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट लगभग हो रहा है। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कॉमर्स के बच्चों के लिए। कॉमर्स के बच्चे जो यूजी के, पीजी का तो ऑलरेडी चल रहा है, यूजी का जो कि बहुत दिनों बाद अलाहाबाद सो के उठी है और तुरंत बोली कि आपका एडमिशन हम लेने के लिए तैयार है। चिल्ड्रेन डे था तो चिल्ड्रेन डे के अवसर पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपको एक न्यूज दिया है कि बीकॉम का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन करें, यहाँ पे देखिए लिंक जो जा रहा है, आप इस पर भी क्लिक करके यूजी वाले पे जा सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ पे नीचे जाइए और यहाँ पे एडमिशन जो लिखा है इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि कौन कौन से, तो आप जैसे देखिए इम्प्लाई कोटा सर्टिफिकेट, पीजी सेंटर बायोमेट्रिक एमएससी का है, इसी में आप देख लीजिए 14 नवंबर को बीकॉम काउंसलिंग का शेड्यूल आया हुआ है। आप इस कट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस, मतलब आप एक पीपीटी या पीडीएफ भी बोल सकते हैं, पीडीएफ आपका ओपन होगा। अब इसमें देखिए पहला राउंड है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद बीकॉम काउंसलिंग शेड्यूल 2022-23। द कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो आप वहां पे चले जाए, फिर आप सीधे AU लिखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट आपको बता दें 15 नवंबर से, मतलब कल से सुबह 7:30 बजे से लेकर 16 नवंबर तक का आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है ना। और साथ में काउंसलिंग और अलॉटमेंट दोस्तों आपका हो जाएगा 16 नवंबर से, ठीक है ना। तो 16 नवंबर से आपका दोस्तों काउंसलिंग अलॉट होगा और उसके बाद फीस सबमिशन आपका कर दिया जाएगा 16 नवंबर से शाम को 5 बजे से, ठीक है ना, 5 बजे से और 17 नवंबर तक। ये पहले राउंड का है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बताएंगे दोस्तों कि किनको बुलाया गया है और उनको क्या क्या लेके जाना है, ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स देखिएगा, जनरल कैंडिडेट मतलब 510। अब इसमें जनरल मतलब यहाँ पे जो UR है इसमें सभी आ जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे, अगर उनका 510 मतलब 510.48 से अगर ऊपर है तो वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के रहेंगे। उसके बाद ESC कैंडिडेट का दोस्तों गया है 352 या उससे ऊपर और ESTE कैंडिडेट का गया है 167 या उससे ऊपर। तो ये दोस्तों रहा है अभी तक जनरल और ESC और ESTE कैंडिडेट का ही आया हुआ है। तो यहाँ पे डेट आप देख लीजिए और अपना, अगर उसके बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप जाइए। हाँ, डॉक्यूमेंट अगर आपको क्या क्या अपलोड करना है और क्या क्या रेडी भी रखना है, तो सबसे पहले आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा NTA का, वो ध्यान रखिएगा, स्कैन कॉपी रहेगा, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया ना, ओरिजिनल स्कैन करना, ऐसा नहीं कि जीरोक्स करा के स्कैन करना, ओरिजिनल स्कैन करना है। और मार्कशीट रहेगा सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का, 10th का, 12th का मार्कशीट रहेगा, TC रहेगा या माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है ना। और ओरिजिनल स्कैन, क्या सर TC और माइग्रेशन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, तो उस केस में आप अंडरटेकिंग लगाओगे, ठीक है ना, उस केस में अंडरटेकिंग। और गैप ईयर का भी है, जैसे मान लीजिए आपने इंटर पास कर लिया था 2021 में ही, अब इस बार एडमिशन आप लेने जा रहे हो तो आपको वहां पे भी अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, है ना। और साथ में स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट का, जो भी ओबीसी एससी एसटी का जो भी है वो रिसेंट सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, EWS का जो रिसेंट का होगा वो करोगे, और आधार कार्ड ओरिजिनल का स्कैन कॉपी, और साथ में एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो ये रहा बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन कि कैसे अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम का हम लोग काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। तो मतलब जिनका 510, अब यह मार्क्स किसका अटैच हुआ है दोस्तों, आपने जब अलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको खुद ही काउंट करके वहां पे बता देगा आपका मार्क्स कितना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सभी कैटेगरी का वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको और किस टाइप का वीडियो और कैसा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, आपको इन्फॉर्मेशन या फिर वह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। 2023 के लिए जो एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया तो 2023 का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पे जाके आप कोर्स को एक्सेस कर लेंगे। वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है और कोर्स कैसे ज्वाइन करें उसका भी लिंक है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो